Two identical circles, each of radius 2 cm, intersect each other such that circumference of each one passes through the center of other. What is the area of intersection region? तो सिंपल मैंने इस पर इसको समझा कर बनाया है, आपको समझाया है। उस वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ों को करना, वीडियो को लंबा करना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो दो सर्किल जो है इन दोनों के सेंटर से पास हो रहे हैं ना, और ये हमें इस एरिया को फाइंड आउट करना है। तो इस एरिया के लिए जो फॉर्मूला हमने बताया था उस टाइम, वो बताया था 2/3 पाई आर स्क्वायर माइनस का √3/2 आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे आता है, मैंने इस पर डेडिकेटेड जो है बनाया है वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना अगर फॉर्मूला का प्रूफ जानना चाहते हो। तो देखो 2/3 पाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के स्क्वायर 4, और माइनस का ये हो जाएगा √3/2 और 2 के स्क्वायर 4, ये कट जाएगा दो बार में, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइज हो जाएगा कितना हो जाएगा 8। तो जो आपका एरिया निकल कर आ जाएगा 8/3 पाई माइनस का √3। ये फार्मूला कैसे आता है, ठीक है, ये फार्मूला कैसे आता है मैं अगेन बोलूँगा कि मैंने इस पर प्रूफ बना के रखा है, ठीक है, वीडियो बना के रखा है, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लेना। अदरवाइज जाकर अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो काफ़ी अच्छा है, आप 1 मिनट के अंदर या 30 सेकंड के अंदर भी क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं तो समय लगेगा थोड़ा सा। तो कौन सा आंसर है भाई, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।